यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन, कहा हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर हैं। भारत में आजादी का अमृत महोत्सव, पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत। रूस यूक्रेन युद्ध से महंगाई बढ़ गई है, कोरोना काल में 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी गई, दुनिया में भारत का अहम योगदान है। रूस यूक्रेन युद्ध से किसी का लाभ नहीं, पाकिस्तान पर भारत का पलटवार, सीमा पार आतंकवाद से भारत पीड़ित है, आतंकियों पर बैन ना होना गलत है, भारत शांति का पक्षधर है लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संबोधन क्योंकि लगातार जो बातचीत का दौर है वो चल रहा है, पाक की तरफ से भी बहुत कुछ किया कहा गया और उसके बाद महबूबा मुफ्ती जिन्होंने समर्थन भी कहा कि जो पाक के प्रधानमंत्री हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन और उस संबोधन में उन्होंने कहा हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर हैं, भारत में आजादी का अमृत महोत्सव और पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत बनाया जा रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध से महंगाई बढ़ी है, कोरोना काल में 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी गई, दुनिया में भारत का अहम योगदान है, रूस यूक्रेन युद्ध से किसी का लाभ नहीं हुआ है, पाकिस्तान पर भारत का पलटवार और सीमा पार आतंकवाद से भारत पीड़ित है, ये भी एस जयशंकर ने कहा, आतंकियों पर बैन ना होना ये गलत है, भारत शांति का पक्षधर है लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी का मिशन 2024, अगले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का खाका तैयार हो गया, चरणबद्ध तरीके से उपलब्धियों को लोगों के सामने बीजेपी रखेगी, दिवाली बाद मोदी को काशी थीम में शोकेस की तैयारी है, काशी यानी के से कश्मीर, ए से अयोध्या, एस से स्कीम्स, एच से ऑनर यानी कि गौरव, इंट्रिगिटी यानी ईमानदारी और इस थीम से स्पष्ट है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्र का गौरव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेंगे प्रमुख मुद्दे। प्रदेश में छोटे दलों की तैयारी, चुनाव अगले साल लेकिन अभी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां बीजेपी कांग्रेस ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी है लेकिन इस बार अन्य दल भी मजबूती से ताल ठोकने वाले हैं। 4 से 5 दल काफी नीचे स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं, अलग अलग संभागों में मजबूत कर रहे हैं अपनी जमीन को, कोशिश ये कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। बीएसपी, माकपा, आप, बीटीपी, एआईएमआईएम बिगाड़ सकते हैं ये समीकरण, तो ये समीकरण बिगाड़ सकते हैं छोटे दल जो राजस्थान में अभी से ही लग गए हैं चुनाव की तैयारियों में। चुनाव अगले साल है लेकिन सरगर्मियां अभी से बढ़ गई हैं और जहां बीजेपी कांग्रेस ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी है तो इस बार अन्य दल भी मजबूती से ताल ठोकते नजर आने वाले हैं। 4-5 दल काफी नीचे स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं, यानी जमीनी स्तर से वो जुट गए हैं, अलग अलग संभाग में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। बीएसपी, माकपा, आप, बीटीपी, एआईएमआईएम, ये समीकरण बीजेपी और कांग्रेस के बिगाड़ सकते हैं। अंधेरी उपचुनाव पर जगी उद्धव की सियासत, मुंबई की अंधेरी सीट का उपचुनाव बेहद अहम है, नतीजा उद्धव ठाकरे का तय करेगा राजनीतिक भविष्य, शिवसेना पर पकड़ कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ठाकरे, और इधर सीएम शिंदे की सप्ताह भर पहले जो बेहतर स्थिति थी वो अब नहीं है, तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हलचल वहां भी है। अंधेरी उपचुनाव पर उद्धव की सियासत टिकी हुई है, मुंबई की अंधेरी सीट का उपचुनाव बहुत अहम है, नतीजा उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, शिवसेना पर पकड़ कायम रखने के लिए ठाकरे संघर्ष कर रहे हैं और इधर सीएम शिंदे की सप्ताह भर पहले जो बेहतर स्थिति थी वो अब नजर नहीं आ रही। खेल के मैदान पर भावुक पल, महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर की विदाई का वो मौका था, आखिरी मैच के बाद रोजर फेडरर रो पड़े लेकिन उनसे भी ज्यादा एक अन्य शख्स था जो भावुक हो गया और वो कोई नहीं बल्कि उनके चिर प्रतिद्वंदी रहे राफेल नडाल।
फेडरर के भाषण के वक्त, विदाई के वक्त लगातार नडाल के आंसू छलक रहे थे। नडाल ने ही फेडरर के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा है। और उसी तरह भारतीय महिला क्रिकेट के तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी भी रिटायर हो गई। शनिवार को लॉर्ड्स में दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन ने आखिरी मैच खेला। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी भावुक होकर झूलन के गले लगी और रो पड़ी। झूलन ने 20 साल के करियर में महिला क्रिकेट के लिए सर्वाधिक 353 विकेट लिए। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी आज लेने वाले हैं बड़ा फैसला। दोपहर 2 बजे FB लाइव से फैंस के साथ एक खबर साझा करेंगे धोनी। धोनी ने कल सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया था। MS धोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं आपके साथ एक खबर साझा करूंगा। मैं 25 सितंबर को दोपहर 2 बजे लाइव आकर ये जानकारी दूंगा। आशा करता हूं कि आप सब वहां पर होंगे। तो आज क्या बड़ा फैसला या सरप्राइज देते हैं धोनी, ये देखना होगा, क्योंकि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी आज कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दोपहर 2 बजे FB लाइव से फैंस के साथ एक न्यूज खबर साझा करेंगे। धोनी ने कल सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया था। MS धोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मैं आपके साथ एक खबर साझा करूंगा। मैं 25 सितंबर को दोपहर 2 बजे लाइव आकर ये जानकारी दूंगा। आशा करता हूं कि आप सब वहां होंगे। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज है। सीरीज पर कब्जा करने की दोनों टीमों की कोशिश होगी। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया और नागपुर में भारत ने जीत दर्ज की। ऐसे में अंतिम मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। रोहित शर्मा आज के मुकाबले में बदलाव कर सकते हैं। वर्ल्ड कप टीम में शामिल हर्षल पटेल के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। 2 मुकाबले में बिना विकेट लिए 6 ओवर में 81 रन हर्षल लुटा चुके हैं। ऋषभ पंत की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज को मौका मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ मैक्सवेल, मैथ्यू वेड, जेम्पा की प्लेयर्स हैं। तो हो सकता है कि जो मैच होने वाला है उसमें रोहित शर्मा किसी तरह का बदलाव करें, लेकिन ये जो मैच होगा वो निर्णायक मैच होगा। सीरीज पर कब्जा करने की दोनों टीमों की कोशिश होगी। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया और नागपुर में भारत ने जीत दर्ज की और ऐसे में अंतिम मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। रोहित शर्मा आज के मुकाबले में बदलाव कर सकते हैं। वर्ल्ड कप टीम में शामिल हर्षल पटेल के प्रदर्शन पर सबकी नजरें होंगी। तो 2 मुकाबले में बिना विकेट लिए 6 ओवर में 81 रन हर्षल लुटा चुके हैं और ऋषभ पंत की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज को मौका मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ मैक्सवेल, मैथ्यू वेड, जेम्पा की ये प्लेयर्स रहेंगे। वेंकैया को अब विपक्षी दल नेताओं की क्यों याद आई? पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को सलाह दी, पक्ष और विपक्ष की पार्टियों और नेताओं के साथ मेल मुलाकात की उन्होंने सलाह दी। गलतफहमियों को दूर करने के लिए मेल मुलाकात का सुझाव। अब ये सुझाव क्यों दिया गया और क्यों ये याद आई है? वेंकैया को अब विपक्षी दल नेताओं की याद आई है। क्यों वो याद आई है, ये सवाल उठता है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि पक्ष और विपक्ष की पार्टियों और नेताओं के साथ मेल मुलाकात बढ़ाएं। वो सलाह उन्होंने दी, गलतफहमियों को दूर करने के लिए मेल मुलाकात का सुझाव दिया। क्या बड़ी पार्टियां दगाबाजी नहीं करती हैं? तालमेल टूटने का ठीकरा छोटे दलों पर क्यों फोड़ा जाता है, जबकि संबंध तो 2 पार्टियों के टूटते फिर छोटी बड़ी क्यों? पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार में सहयोगी हुए बीजेपी से अलग। बीजेपी नेतृत्व दोनों राज्यों में खुद के बजाय सहयोगी को धोखेबाज बता रहे। तो ये सवाल उठता है कि क्या बड़ी पार्टियां दगाबाजी नहीं करती हैं? तालमेल टूटने का ठीकरा छोटे दलों पर क्यों फोड़ा जाता है, जबकि संबंध तो 2 पार्टियों के टूटते हैं, फिर छोटी बड़ी क्यों? पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार में सहयोगी हुए बीजेपी से अलग। बीजेपी नेतृत्व दोनों राज्यों में खुद के बजाय सहयोगी को धोखेबाज बताती रही। बीजेपी ने क्यों नीतीश उद्धव को टारगेट बनाया? बीजेपी नेतृत्व ने दोनों को धोखेबाज की संख्या दी। बीजेपी से अलग होकर उद्धव, नीतीश
बने विपक्ष का हिस्सा। महाराष्ट्र और बिहार की सियासत में बीजेपी के लिए रोड़ा बने। वैसे तो बीजेपी ने समय समय पर कई पार्टियों के साथ तालमेल खत्म किया। झारखंड में जेएमएम, कर्नाटक में जेडीएस, हरियाणा में इनेलो, तमिलनाडु में डीएमके, अन्ना डीएमके आदि पार्टियां बीजेपी के साथ आती जाती रही हैं, लेकिन इन पार्टियों के नेताओं को टारगेट बना बीजेपी हमला नहीं करती। शायद बीजेपी शिवसेना जेडीयू के अलग होने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत पार्टियों के साथ अलग हुए भी, बहुत पार्टियों के साथ तालमेल बैठा भी, लेकिन इस तरह का हमला बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी ने क्यों नीतीश उद्धव को टारगेट बनाया? बीजेपी नेतृत्व ने दोनों को ही धोखेबाज की संख्या दी। बीजेपी से अलग होकर उद्धव नीतीश विपक्ष का हिस्सा बने। महाराष्ट्र और बिहार की सियासत में बीजेपी के लिए रोड़ा बने। वैसे तो बीजेपी से समय समय पर कई पार्टियों ने तालमेल खत्म किया है। झारखंड में जेएमएम, कर्नाटक में जेडीएस, हरियाणा में इनेलो, तमिलनाडु में डीएमके, अन्ना डीएमके आदि पार्टियां जो बीजेपी के साथ आती जाती रही हैं, लेकिन टारगेट नीतीश और उद्धव को बनाया है।